मोहम्मद सिराज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने नवंबर 2017 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं मोहम्मद सिराज के बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 हैदराबाद भारत में हुआ। इनके पिता का नाम मोहम्मद गौस और इनकी माता का नाम शबाना बेगम है और इनके भाई का नाम मोहम्मद इस्माइल और वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो हैदराबाद भारत। जाति और धर्म से मोहम्मद सिराज एक भारतीय यानी एक इंडियन है। मोहम्मद सिराज दाएं हाथ के बॉलर यानी गेंदबाज हैं और दाएं हाथ के बैटर यानी बल्लेबाज हैं। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर यानी गेंदबाजी की है और इनकी जर्सी नंबर यानी इनका शर्ट नंबर है 73। मोहम्मद सिराज के कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनके कैप नंबर 71। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 4 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 225। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 298। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 26 दिसंबर 2020 को ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। और मोहम्मद सिराज डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2015 से हैदराबाद टीम से और 2017 से IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग से खेलते हैं। मोहम्मद सिराज के पिता एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे और इनकी मां शबाना बेगम दूसरों के घरों में काम किया करती थी। मोहम्मद सिराज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी थी लेकिन परिवार की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि सिराज एक अच्छी गेंद भी नहीं खरीद सकते थे। मोहम्मद सिराज के बड़े भाई ने इनको क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहायता की और परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए मोहम्मद सिराज बिना किसी कोच और क्रिकेट एकेडमी के खुद से ही अपनी गेंदबाजी का अभ्यास करने लगे और फिर इनकी मेहनत रंग लाई और मोहम्मद सिराज ने 15 नवंबर 2015 को 15-16 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में हैदराबाद के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 2 जनवरी 2016 को 15-16 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में 2020 की भी शुरुआत की और 2015-16 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान हैदराबाद के लिए 18.92 की औसत से 41 विकेट लेकर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। फिर फरवरी 2017 में IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें अपनी टीम के लिए खरीदा और फिर जनवरी 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा खरीदे गए और फरवरी 2018 में 17-18 विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 23 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। फिर इन्हें अक्टूबर 2018 में देवधर ट्रॉफी के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया और मोहम्मद सिराज ने 4 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना 2020 इंटरनेशनल पदार्पण किया और अपना पहला विकेट केन विलियमसन को आउट किया। फिर दिसंबर 2018 में मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया और 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और फिर 26 अक्टूबर 2020 को मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर 2020 को भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। इनका पहला टेस्ट विकेट मानस लबुशेन का था और जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में चौथे टेस्ट के दौरान सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया। हम मोहम्मद सिराज के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। वो फ्यूचर में भी ऐसे ही भारत के लिए क्रिकेट खेलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।